हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप इन शॉर्ट एप को यूज करके अपनी वीडियोस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं या फिर अगर आपको रील्स वगैरह एडिट करनी है तो वो भी आप ऐप को यूज करके कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकते हैं और दोस्तों देखिये नाइनटी लोग मोबाइल ही यूज करते हैं मैं भी मोबाइल से एडिटिंग करती हूँ तो मैं सारा प्रोसेस आपको मोबाइल से ही बताऊंगी कि आप मोबाइल को ही यूज करके इन शॉर्ट एप्लीकेशन से एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और मैं जो फ्री वर्जन होता है ना इन शॉर्ट एप्लीकेशन का वही वाला यूज करूंगी उसी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब एडिट कर सकते हैं इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें जिससे कि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और वीडियो अच्छी लगती है यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आपको जो भी वीडियो अपनी एडिट करनी है वो आपको वीडियो वाले ऑप्शन में जा करके अपनी फोन गैलरी में से यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है इसको ओके कर देंगे अब यहाँ पर हमारी वीडियो आ गई है अब सबसे पहले तो आपको इसका रेशियो सेलेक्ट कर लेना होगा कैनवास ऑप्शन में जा करके आपको यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना है तो जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए एडिट कर रही हूं तो हम यहाँ पर सिक्सटीन इस टू नाइन सेलेक्ट कर लेंगे इसको कर देंगे ओके अब दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका यहाँ पर वाटरमार्क रिमूव कर लेंगे आप इस क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बस एक ऐड आता है उसको देख करके यहाँ पर वॉटर मार्क जो है वो इजिली रिमूव हो जाए जाता है। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है जो बेकार पार्ट होता है जो हम लोग ऐसे ही कैमरे के सामने प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत उस तरीके का जो पार्ट होता है उसको आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं तो आपको इसको सीधा यहाँ पर लेके जाना है ठीक है जहां पर आपने बोलना स्टार्ट किया जैसे कि मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया ठीक है यहाँ पर हम इसको लेके जाएंगे अब यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ से अपनी वीडियो को स्प्लिट कर देना है अब जो ये आगे का पार्ट है इसको आप सेलेक्ट करके इजीली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है अब दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको वीडियो के बीच का कोई पार्ट रिमूव करना है कोई पार्ट हटाना है तो आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं आपको जहाँ पर से हटाना है पार्ट को वहाँ पर आपको इस कर्सर को लेके जाना है और यहाँ से आपको स्प्लिट कर देना है सेम इसी तरीके से जहाँ तक का पार्ट आपको हटाना है वहां पर लेके जाना है और स्प्लिट एक मार देना है ठीक है अब जैसे मुझे ये बीच वाला पार्ट जो है इसको डिलीट करना है इसको हम यहां से सेलेक्ट करके इजीली यहां से इसको आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों आप अपनी वीडियो को जहां पर भी स्प्लिट करते हैं वहां पर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है वहां पर आपको ट्रांजिशन जरूर लगा देना है नहीं तो थोड़ा अजीब सा लगता है तो जैसे कि मैं यहां पर ट्रांजिशन लगा देती हूँ यहां पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं बेसिक वाले ऑप्शन में कई ढेर सारे मिल जाते हैं इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे देखेंगे बहुत सारे ट्रांजिशन आपको मिल जाते हैं तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको यहां पर यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर बेसिक वाले यूज करती हूँ मुझे बेसिक वाले इसमें से ज्यादा अच्छे लगते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये एरो वाला एक यूज़ करती हूँ इसके टाइम को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे पॉइंट टू सेकेंड तक का कर लेंगे जिससे कि ये हार्श ना लगे अब देखिए अब ये थोड़ा सही लग रहा है इसको कर देंगे ओके अब दोस्तों इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है वो होता है पी वाला फीचर तो पी पी मतलब यहाँ पर एक लेयर आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन ये सारी चीज़ें लोग ऐड करते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक लाइक एंड शेयर वाला इसको ऐड करके आपको दिखा देती हूँ तो इसको आप यूज करके यहाँ पर क्रोमा की इफेक्ट भी आपको मिल जाता है अब देखिए यहाँ पर हम इसका ग्रीन स्क्रीन कुछ इस तरीके से रिमूव कर देंगे क्रोमा की वाले ऑप्शन से यहाँ पर इसको कर देंगे हम यहाँ पर ओके okay, ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको प्ले करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है और दोस्तों पी वाले ऑप्शन से आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई लेयर में कोई फोटो या कोई और वीडियो अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं पी वाले ऑप्शन से आप इजीली ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं तो सपोज़ मुझे एक वीडियो ऐड करनी है तो जैसे कि मैं एक वीडियो यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लेयर में एक वीडियो अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ये यहाँ पर लेयर में हमारी वीडियो जो है ऐड हो गई है आप इसको फुल स्क्रीन में ऐड करना चाहें तो फुल स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं साइड में ऐड करना चाहें तो साइड में भी आप ऐड सकते हैं तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन में ऐड कर दिया है तो एक बार हम प्ले करके इसको देख लेते हैं इसी तरीके से आप यहां पर कोई फोटो ऐड करना चाहें तो फोटो भी यहां पर आप आराम से ऐड कर सकते हैं जैसे कि ये एक फोटो में आपको ऐड करके दिखा देती हूं कुछ इस तरीके से आप फोटो भी यहां पर ऐड कर सकते हैं फिलहाल मैं इसे यहां पर नहीं लगा रही हूं इसको हम कर देंगे डिलीट इसको कर देंगे ओके okay. अब दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना है किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले तो एक स्टीकर ऐड कर लेती हूँ जैसे मैंने यहाँ पर ये यह ऐड कर लिया यूट्यूब वाला इसको ओके okay कर देंगे थोड़ा सा इसके साइज़ को हम यहाँ पर छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखा देती हूँ तो टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टॉप फाइव यूट्यूब चैनल अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट के कलर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं आप जो भी कलर आप रखना चाहते हैं जैसे मैंने ये वाला रख लिया इसी तरीके से आप बॉर्डर वगैरह अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर कर सकते हैं शेडो लगा सकते हैं यहाँ पर किसी भी कलर का आप शेडो अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं मैं शेडो नहीं लगा रही हूँ ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है ठीक है अब आप टेक्स्ट का फॉन्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो आप जो भी यूज करना चाहें यूज़ कर सकते हैं वैसे मुझे यही वाला अच्छा लग रहा है तो अब इसको यहाँ पर हम ओके okay कर देंगे ठीक है इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे अब यहाँ पर जैसे हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया तो टेक्स्ट और ये यूट्यूब बटन ये ऐसे ही सिंपल सा अच्छा नहीं लगता है तो हम इसमें कुछ एनिमेशन भी ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट में भी एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला एक ऐड कर रही हूँ ये वाला लेफ़्ट वाला इसको ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमने ये वाला टेक्स्ट ऐड किया है टॉप फ़ाइव यूट्यूब चैनल इसमें भी हम यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो ये पेंसिल वाला है ना इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं इसी तरीके से हम इसमें भी ये वाला एनिमेशन यूज कर लेंगे ठीक है इसको ओके okay कर देंगे अब देखिए हमने यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर लिया अब ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर मिलते हैं जैसे कि आप अपनी वीडियो की वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से अपनी वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं आप अपनी वीडियो का नॉइज़ भी यहाँ से कम कर सकते हैं डी नॉइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब दोस्तों इसके अलावा आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर फ़िल्टर वगैरह यूज़ करके एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई पसंद है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वैसे मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को बस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ जैसे कि इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और टिंट को थोड़ा हाई कर देंगे इसी तरीके से सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगी जिससे ये और ज़्यादा अच्छा लगे और इसके साथ साथ इसमें जो शेडो है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि वीडियो आपकी देखने में और ज़्यादा बढ़िया लगेगी और दोस्तों इसके साथ साथ मान लीजिए आपको अपनी वीडियो की स्पीड को कहीं पर कम ज़्यादा करना है कहीं पर आपको अपनी वीडियो की स्पीड को फास्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी वीडियो की स्पीड को जितना चाहे उतना रख सकते हैं कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया गया है तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो की स्पीड इतनी ही रख रही हूँ इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे इसके साथ साथ आप अपनी वीडियो में एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा वीडियो में कहीं कहीं पर जूम हो के आता है ना तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं एनिमेशन वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे यहाँ पर एनिमेशन मिल जाते हैं जैसे कि जूम इन ठीक है इस तरीके से इसको यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि कितने सेकंड का आपको रखना है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर जूम आउट हो गया स्लाइडर हो गया और यहाँ पर इन एनिमेशन में ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं आउट एनिमेशन में भी आपको बहुत सारे एनिमेशन मिले हैं इसी तरीके के साथ साथ आपको कॉम्बो में भी कुछ एनिमेशन यहाँ पर दे दिए गए हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ करना चाहें तो वह आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं तो एनिमेशन वगैरह आप अपनी वीडियो में ज़रूर यूज़ करें इससे हमारी जो वीडियो होती है वो देखने में और ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है तो इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन में ये सारे फीचर्स फ्री में मिल जाते हैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी फीचर मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर म्यूजिक ऐड कर सकते हैं म्यूजिक ऐड करने के साथ साथ अगर आप वॉइस ओवर करना चाहें अगर आप अपनी वीडियो में कहीं पर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन से कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा लोग अपनी वीडियोज में कुछ बबल टाइप का साउंड इस तरीके के पॉप अप साउंड यूज करते हैं तो वो आपको पर फ्री में ही मिल जाते हैं तो मैं दोस्तों अपनी वीडियो में ज़्यादातर वो बबल वाला जो साउंड इफेक्ट आता है ना वो वाला यूज़ करती हूँ आपको यहाँ पर पॉपुलर वाले ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं बबल वाला साउंड इफेक्ट भी मैं यहीं से यूज़ करती हूँ इसके अलावा एक ये बटन वाला जो साउंड इफेक्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर यूज़ करके देख सकते हैं आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर ये मैंने ऐड किया था ना ये यूट्यूब का बटन उसके लिए मैं यहाँ पर ये बबल वाला यूज़ कर रही हूँ और भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर अपनी वीडियो को फ्लिप करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आप रोटेट करना चाहें साथ में अगर आप किसी पार्ट को फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन भी दे दिया जाता है जितना भी पार्ट अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं अपनी वीडियो का तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं फिलहाल मैं इसको यहाँ पर अंडू कर दूँगी तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सारे फ़ीचर्स को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकते हैं उसके बाद जब तो आपकी वीडियो यहाँ पर एडिट हो जाती है तो आपको यहाँ पर इसे सेव कर लेना है तो दोस्तों आई होप आपको सारे फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस फीचर को किस तरीके से यूज करना है और एडिटिंग कैसे करनी है फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं रिप्लाई जरूर करूंगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सपोर्ट करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय